देखिए फ्रेंड्स, ये है इसकी लास्ट की फिनिशिंग। ये हमने प्लाईवुड पर वुड ग्रेन बनाकर पॉलिश की है और यह पॉलिश बिल्कुल सस्ते में हो जाती है। कोई भी इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, नॉर्मल खर्चे में ही यह पॉलिश हो जाती है। दोस्तों, ये है हमारी प्लाईवुड। ये पुरानी प्लाईवुड है, पहले इस पर पेंट हुआ था, वाटर बेस्ड पेंट हुआ था, जो कि अभी ख़राब हो गया है। अभी हमें इस पर पॉलिश वाली लुक देनी है, इसको साफ़ करके इस पर पॉलिश करनी है। कैसे करेंगे सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले इसको हमें साफ़ करना है, जो पुराना पेंट लगा है, एक ब्लेड या पत्ती की सहायता से इसको साफ़ कर लेंगे, क्योंकि ये वाटर बेस्ड पेंट है तो फटाफट ही साफ़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें कुछ भी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, हम इस तरीके से साफ़ कर रहे हैं इसको, आप भी इसी तरीके से साफ़ कर लें। अगर आपकी नई प्लाईवुड है फिर भी प्रोसेस सारा सेम ही रहेगा, बस उस पर आपको प्राइमर करना है, पुट्टी करनी है और पेंट करना है। तो देखिए, अभी हमने साफ़ कर दिया। अभी इस पर हम रेगमाल लगाएंगे। रेगमाल हमारा है 120 नंबर का, आप 80 नंबर भी ले सकते हैं, पट्टे वाला 100 नंबर भी ले सकते हैं, या फिर 20 नंबर भी ले सकते हैं। बस इसको साफ़ करना है। उसके बाद में लेना है हमें वुड प्राइमर। इस पर वुड प्राइमर लगाएंगे हम। ये देखिए, ये है एशियन पेंट्स का वुड प्राइमर। इसको पतला करने के लिए इसमें तारपीन का तेल मिक्स होता है, 1 लीटर में लगभग 200 ग्राम। ये देखिए, तारपीन का तेल है, इसको मिक्स करना होता है। इसको आप ब्रश से भी लगा सकते हैं और रोलर से भी लगा सकते हैं। देखिए, इस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई करना है हमें वुड प्राइमर। आप कंपनी कोई भी ले सकते हैं, बहुत सी कंपनियाँ अवेलेबल हैं मार्केट में। ये देखिए, हो गया वुड प्राइमर। अभी हमें पुट्टी करनी है। पुट्टी में हम इसमें एक्रेलिक पुट्टी यूज करेंगे। देखिए, एक्रेलिक वॉल पुट्टी है, वैसे तो ये दीवार के लिए होती है, लेकिन लकड़ी पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है इंटीरियर में। बाकी आप चाहें तो चाक मिट्टी भी ले सकते हैं इसकी फिलिंग करने के लिए। 1 kg की पैकिंग है और इसकी MRP 112 रुपये। अभी हम पूरे प्लाईवुड पर इसको खींच देंगे इस तरीके से, ताकि जो उसमें नस वगैरह हो वो पूरी भर जाए और जो छोटे मोटे होल होंगे वह भी इससे कवर हो जाएंगे। अगर एक बार में कवर नहीं होता है तो आप दूसरी बार भी पुट्टी कर सकते हैं। पुट्टी करने के बाद में इसको सूखने के लिए छोड़ेंगे कम से कम 1-2 घंटा। सूखने के बाद में इसकी हमें सैंडिंग करनी है। सैंडिंग करने के लिए हम इसमें 220 नंबर का वाटरप्रूफ रेगमाल इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से दबा के मार देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पुट्टी लगी होगी वो पूरी साफ़ हो जाएगी। उसके बाद में आप चाहें तो इस पर 1 कोट प्राइमर और कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट पेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। हम 1 कोट प्राइमर और इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं ताकि जो थोड़ी बहुत कमी हो वह सेट हो जाए। उसके बाद में हमें इस पर मारना है पेंट। पेंट में हमारे पास देखिए नेरोलक कंपनी का गोल्डन येलो कलर है। आप एशियन का भी ले सकते हैं, एपकोलाइट प्रीमियम ग्लॉस इनेमल। ये 200 ग्राम की पैकिंग है, पर लिखा हुआ है इसकी MRP है 81 रुपये। इसको भी पतला करने के लिए तारपीन का तेल ही इस्तेमाल होता है, 1 लीटर में लगभग 200 ग्राम तक तारपीन का तेल पड़ता है। बाकी आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसा भी आपको रखना हो, पतला मोटा, उस हिसाब से आप इसमें तारपीन का तेल मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, येलो कलर का पेंट है हमारे पास। बाकी आप चाहें तो गोल्डन ब्राउन पेंट भी ले सकते हैं, इसकी जगह पर आप गोल्डन ब्राउन भी मार सकते हैं कलर। अभी देखिए, बन चुका है हमारा ये। अभी हम इसको अप्लाई करेंगे इस तरीके से। इसके हमें 2 कोट करने होते हैं। कोट करने के बाद में इसको कम से कम 8-10 घंटे तक सूखने के लिए छोड़ना होगा, उसके बाद में ही हम इस पर 2nd कोट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से 2nd कोट भी लगेगा। तो चलिए, मैं दोनों कोट इसके ऊपर कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद में आपको दिखाता हूं कि वुड ग्रेन कैसे बनाते हैं और उस पर पॉलिश कैसे करते हैं। तो हमारा पेंट कंप्लीट हो गया था और ये सूख भी गया है प्रॉपर। अभी हमें इसके ऊपर रेसा बनाना है। रेसा बनाने के लिए हम इसमें ब्लैक इनेमल पेंट का इस्तेमाल करेंगे, और आप चाहें तो कपड़े से भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने ब्लैक इनेमल पेंट लिया है। बाकी आप चाहें तो ब्राउन भी ले सकते हैं, और कपड़े से अगर आपको बनाना है तो इस तरीके से कपड़े से भी बना सकते हैं, बढ़िया रेसे बनते हैं कपड़े से भी। बाकी अगर आपको टूल का इस्तेमाल करना है तो आप टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बस दिखाने के लिए टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। देखिए, अभी हमने रेसा बना लिया है। अभी इसको सूखने देते हैं कम से कम 4-5 घंटे, उसके बाद में अगला स्टेप करेंगे इस पर। ये देखिए, इस तरीके के रेसे बन गए हैं इसमें।
अभी ये सूख चुका है पूरा। अब हम इसका कलर चेंज करेंगे, इस पर हमें रेड लुक देनी है, तो हम इसमें रेड रेड कलर का इनेमल पेंट इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले इसकी हल्की सैंडिंग कर लेंगे ताकि दाने दूने कट जाएं। बाकी अगर आपको ऐसे रखना है तो ऐसे ही आप इसके ऊपर टचवुड ग्लोसी अप्लाई कर सकते हैं। हम इस पर रेड रेड कलर की पॉलिश करने वाले हैं, तो हम कलर से इसके ऊपर कलर सेट कर रहे हैं। ये देखिए रेड इनेमल पेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। अगर आपको ब्राउन करना है तो आप ब्राउन भी ले सकते हैं, मैं बस आपको दिखाने के लिए यह रेड कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से इसका कलर एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा भी आपको रखना हो डार्क लाइट उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। देखिए अभी हमने कलर कर लिया है, अभी हमें इस पर टॉप कोट में टचवुड ग्लोसी अप्लाई करनी है। जैसा आप देख सकते हैं किस तरीके की लुक हो गई है इसकी। अभी हमें इस पर टचवुड ग्लोसी अप्लाई करना है। इसको आप ब्रश से भी मार सकते हैं और स्प्रे गन से भी मार सकते हैं, टचवुड ग्लोसी दोनों ही तरीक़ों से हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से टचवुड ग्लोसी इस पर अप्लाई करना है, जिससे कि इसकी फिनिशिंग हाई ग्लॉस हो जाएगी। तो इसका एक कोट ही काफ़ी होता है, बाकी अगर आपको लगे कि फिनिशिंग पूरी नहीं आई है तो आप इसकी सैंडिंग करके, जब ये सूख जाएगा तो इसकी सैंडिंग करके आप इस पर डबल कोट भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि इसकी फिनिशिंग और भी बढ़िया हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके की लुक दिखेगी आपको, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल हाई ग्लॉस और स्मूथ फिनिश होगी इसकी। स्प्रे करने के बाद में 4-5 घंटे तक आपको इसको बचा के रखना है डस्ट वगैरह से। अगर डस्ट वगैरह होगी तो उड़ के इसके ऊपर चिपक जाएगी, जिससे कि इसमें दाने वगैरह हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑयल बेस है तो ऑयल बेस को सूखने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।